होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की फोटो लीक होने पर अफसरों में हड़कंप मच गया। रामलला की फोटो लीक करने वाले अफसरों पर श्री राम मंदिर ट्रस्ट एक्शन में आ गया। दरअसल ट्रस्ट को शक है कि सोशल मीडिया पर रामलला की जो फोटो वायरल हुई है वह LNT के अफसरों की तरफ से की गई है। रामलला की फोटो वायरल करने वाले अफसरों पर ट्रस्ट कार्रवाई की तैयारी में है। बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण और डिजाइन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के तकनीकी सहायता से लार्सन एंड ट्रूबो यानी LNT और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की तरफ से किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कंपनी के ही किसी कर्मचारी या अधिकारी ने फोटो खींच कर वायरल की है। हालांकि फोटो कहां से वायरल हुई है अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में 18 जनवरी को रामलला विग्रह को अपने आसन पर स्थापित कर दिया गया। इससे पहले बुधवार देर रात श्री रामलला की रजत प्रतिमा को पालकी में विराजमान कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य एवं यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जन्मभूमि परिसर का भ्रमण कराया, जिसमें काशी से आए विद्वान वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजन करते रहे। इस दौरान गर्भगृह पर पुष्प वर्षा की गई। पूरे परिसर में जगह जगह पर सुंदर सजावट भी की गई थी। बता दें कि मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की प्रतिमा श्याम रंग की है, जिसका वजन 2 टन बताया गया है। प्रतिमा को ढककर लाया गया था, जिसका शुक्रवार को अनावरण किया गया। DCM धर्मपथ, रामपथ और भक्तिपथ से होता हुआ प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचा। फिर इसके बाद दशरथ महल के रास्ते रंगमहल से होते हुए राम जन्मभूमि परिसर के गेट पर पहुंचा था। जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर अपने भगवान का स्वागत किया था और जय श्री राम के नारे को लगाया था।